जनपद संभल के चंदोसी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में गणेश महापूजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजन किया गया। पिछले 59 वर्षों से आयोजित होने वाला मेला गणेश चतुर्थी इस बार कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 59 वर्षों की परंपरा पर इस बार रोक लग गई है। लेकिन कोरोना वायरस के बीच जनपद संभल के चंदोसी में सीता रोड पर स्थित गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महापूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर घेरे बनाए गए थे, जिसमें एक घेरे में एक ही व्यक्ति खड़ा था। इस विषय में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गणेश मंदिर में पूजन के दौरान सभी श्रद्धालुओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं गणेश मेला आयोजन कमेटी के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर ने बताया कि पिछले कई दशक से गणेश मेले का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन कोरोना नामक बीमारी के कारण इस बार मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। लेकिन परंपरा न टूटे, इसलिए केवल गणेश महापूजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस विषय में मेला आयोजन कमेटी के सदस्य मनोज कुमार मीनू ने बताया कि महापूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा किया है तथा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। गणेश मंदिर का पूजन भैया सदियों से चला आ रहा है, करीब 60-65 साल हो गए और ये जब से ही उत्सव चल रहा है। और पूजन जो है पहले तो अब के साल छोड़ के रात के 3 बजे से दर्शनार्थी आ जाते थे और रात के 3 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक पूजन चलता रहता था। अब की मैंने देखा, मैं खुद स्वयं गया 5 बजे, तब भी दर्शनार्थी मौजूद थे और पूजन मेरे ख्याल से अभी तक चल रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है भैया? बराबर पालन कर रहे हैं, शासन का और प्रशासन का जो भी हमारे ऊपर आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं बराबर, और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, जो पूजन है वो सरकार द्वारा जो भी उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आपको ये सारे प्रबंध करने हैं, तो उस प्रबंध में हमने एक सैनिटाइजेशन टनल भी लगा रखा है एंट्री पर, हैंड सैनिटाइज़र भी लगा रखा है, तरह जो लोग मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं वो मास्क भी वहाँ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने रिंक्स रोड पे बनाए हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पर ही, मतलब उसकी गाइडलाइन के अनुसार उनको 2 मीटर की दूरी पे सब लोग को गाइडलाइन से खड़ा कर रहे हैं। और मंदिर में सिर्फ 5 लोगों का प्रवेश है, ऐसा ही हमें आदेश है सरकार द्वारा कि मंदिर में जो भी दर्शन होंगे वो दूरी बना के ही दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन दर्शनीय होंगे, पूजनीय होंगे, पर प्रसाद वितरण पर सरकार ने हमें रोक लगाई है, तो हमने भरसक कोशिश यही की है कि प्रसाद अपने मंदिर प्रांगण से ना वितरित किया जाए। आज गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर चंदौसी में मंदिर में दर्शन पूजन लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बनी रही है, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सभी लोग सैनिटाइजर लगा के ही अंदर जा रहे हैं, यहाँ टनल लगा हुआ है उससे प्रवेश करके जा रहे हैं और वहाँ पे किसी को भी प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं है। जा रहे हैं लोग दर्शन करके तुरंत वापस हो रहा है।